सरकार के द्वारा 112 के माध्यम से पूरे प्रदेश में जगह जगह स्टॉल लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस साल के अंदर तैनात पुलिस कर्मियों के द्वारा आने जाने वाले सभी लोगों को रोककर उन्हें 112 के फायदे बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी इमरजेंसी में आप 112 पर कॉल करिए, सरकार के द्वारा चलाई गई इमरजेंसी सुविधा आपके पास समय के अंदर पहुंचेगी। सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और नित नए प्रयोग करते हुए लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी कर रही है। 112 की तरफ से सूबे में हर जगह पे कैंप लगाए गए हैं जहां पर लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ऐसा ही एक कैंप है जहां पर मैं हूं, आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, देखिए 112 की तरफ से बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं और लोग जागरूक किया जा रहा है कि आपको कैसे सुरक्षा के लिए 112 को कॉल करना है। जब भी कोई इमरजेंसी हो आप तुरंत 112 पे लगे, चाहे वो पुलिस सहायता हो, मेडिकल की इमरजेंसी हो, आग लगने पर बच्चों या बुजुर्गों की सहायता है, महिलाओं की सहायता, जैसे अनेकों आपके जो स्टिकर लगे हुए उस पर आपको सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ देखिए यहाँ पे जो महिला तैनात है, महिला कांस्टेबल तैनात है, मैं पूछूंगा कि क्या है इसमें, कैसे क्या जागरूक किया जा रहा है। मैडम कैसे जागरूक किया जा रहा है इसमें? लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जैसे कार्ड है इसमें सब 112 की सुविधा है, कार्ड और पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। देखिए कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं, इनको देखिए आप, मैं कौन दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कैसे इनको जागरूक किया जा रहा है 112 के, किसी भी इमरजेंसी में आप इन लड़की जागरूकता फैलाया जा रहा है। आइए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा आप लोग, नाम क्या है आपका और ये देखिए 112 से आप लोग जागरूक किया जा रहा है, क्या कहना है इस पे आपको? हम लोग इस बात से सहमत हैं और सरकार ने हम लोग के लिए ऐसा किया है, हम लोग इससे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश भी है। ये लड़कियां कह रहे हैं कि हम इससे बहुत खुशी है, सरकार द्वारा जो भी ये जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही बेहद और अच्छा सरकार की अच्छी पहल है। रायबरेली से कैमरा पर्सन अभय सिंह के साथ सुशील सिंह, जनता।